स्पीकिंग डे स्टूडेंट्स हम इस मॉड्यूल में स्पीकिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह हम स्टूडेंट्स को बच्चों को स्पीकिंग सिखाते हैं तो स्पीकिंग इज़ अ बेसिक लैंग्वेज स्किल दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस थाट्स आइडियाज एंड ओपिनियज एंड इमोशंस तो लोग जो बच्चे uh, मुफ्त अपने आइडियाज थाट्स को एक्सप्रेस करते हैं स्पीकिंग अपनी स्पोकन लैंग्वेज के जरिए और ये बेसिक एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन uh, का इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट टू कन्वे इंफॉर्मेशन और कुछ सम अहम पॉइंट्स हैं जिनको हम स्पीकिंग के लिए या कुछ अहम स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम जिनको डिटेल से पढ़ेंगे स्पीकिंग uh, के लिहाज से औरल एक्सप्रेशन सबसे पहली बात तो स्पीकिंग इन्वॉल्व द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट वर्ड्स एंड साउंडस एंड फ्रेजेस

ऑर्गनस uh, को यूज़ करते हुए नेक्स्ट इसका जो अहम करक्ट्रिस्टिक्स uh, है या अहम स्ट्रेटी है फ्लुएंसी तो फ्लुएंसी इज स्मूथ एंड नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच और फ्लुएंट स्पीकर प्रोड्यूस क्लियर स्पीच जो वाज तौर पर स्पीकर जो हैं रवानी से बोलते हैं वो अपने आइडियाज़ को वाजे तौर पर पेश करते हैं और मेनटेन अ कंसिस्टेंट पेस मिनिमाइज हेजिटेशंस तो वो एक रफ्तार बरकरार रखते हैं और हेज़िटेशन को ओवरकम करते हैं नेक्स्ट है इसमें वैकेबलरी एंड ग्रामर तो स्पीकिंग uh, के लिए वैकेबलरी और ग्रामर का uh, होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इसमें क्रूशल रोल है उसका तो ये जो स्पीकिंग प्रोफिशेंसी रिलाईज़ ऑन किस में अ अस्ट्रॉग विकैबलरी एंड ग्रामर स्ट्रक्चर्स और स्पीकर्स यूज फ्रेजेज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एक्यूरेटली तो इस तरह वो अपने आइडियाज़ को ग्रामर uh, और वैकेबलरी की मदद से वो वाज करते हैं प्रोनन्शन एंड इंटेलिजिबिलिटी तो क्लियर प्रोनन्सीशन एंड एंड एंडश्योर वर्ड्स एंड साउंड प्रोडक्शन एक्यूरेटली टू अंडरस्टैंड ईजीली बाई अदर्स तो दूसरे आसानी के साथ वो प्रोनासीशन uh, की वजह से और अपने सेंटेंसेस के क्लियर होने की वजह से वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे और uh, ये एक्चुअली स्पीकर्स की वो सलाहियत है या डिग्री है जो उनको uh, दूसरों को स्पीच अंडरस्टैंड कराने में उनकी मदद करती है या उसका पता देती है कन्वर्सेशन एंड डिस्कोर्स स्किल्स तो गुफ्तु और डिस्कोर्स से मुराद है खुतबा देना या एक लगातार स्पीच देना तो स्पीकिंग इन वाल्स पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्सेशन डिस्कशंस एंड प्रजेंटेश इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू एंगेज इन ये आ, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज होने होना इससे इसके लिए ज़रूरी है या रिक्वायर करती है टर्न टेकिंग यानी अपनी गुफ्तु की बारी लेना मेंटेन टॉपिक कंसिस्टेंसी अपने किसी टॉपिक पर रहना कंसिस्टेंट यानी टॉपिक को मेंटेन रखना और एक्सप्रेस ओपिनियंस ओपिनियंस का इजहार करना नेक्स्ट है नॉन वर्बल क्यूनिकेशन नॉन वर्बल क्यूज और फेशल एक्सप्रेशन जेस्टर्स बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट सिग्निफिकेंट फास्ट स्पीकिंग तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें आपके आई कांटेक्ट है बॉडी लैंग्वेज है नॉन वर्बल क्यूज और फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं फिर ऑडियंस अवेयरनेस अब स्पीकर्स के लिए यह भी बड़ा अहम है कि वो किस तरह वो ऑडियंस की अवेयरनेस को चेक करें Uh, कि वो कैसे चेक करें एंड अडेप्ट देयर स्पीकिंग स्टाइल्स एंड लैंग्वेज एगॉर्डिंग टू द नीड एंड एक्सप्रेशन ऑफ लिसनर्स तो उनकी नीड और एक्सप्रेशन जो है स्पीकरस uh, को उनके बारे में पता होना चाहिए उनके करेक्ट्रिस्टिक्स के बारे में उनके लेवल ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग के बारे में लिहाजा उनके अकॉर्डिंगली उनको अपनी स्पीच uh, को uh, रखना चाहिए स्पीकिंग स्ट्रेटजीज़ जो यूज़ करते हैं स्पीकर्स तो इफेक्टिव स्पीकिंग स्ट्रेटजीज टू इन्हेंस देयर स्पीकिंग स्किल्स इनकलूडिंग प्लानिंग एंड ऑर्गनाइजिंग देयर थाट्स तो सबसे पहले स्पीकर को अपने थाट्स को ऑर्गनाइज करना चाहिए यूजिंग अप्रोप्रिएट वैकेबलरी एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस तो वह मुनासब ईडियम्स और फ्रेजेज और वैकेबलरी इस्तेमाल करें डिवेल्पिंग स्पीकिंग स्किल नीड स्पीकिंग स्किल्स डिवेल्प करने के लिए प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर ऑफ अथेंटिक लैंग्वेज तो उनको एथेंटिक uh, लैंग्वेज से uh, उनको उसकी उसमें उनको सीखना चाहिए और मीनिंगफुल इंटरेक्शन थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड फीडबैक और फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी है लर्नर्स कैन इम्प्रूव द स्पीकिंग फ्लुएंसी एंड वैकेबलरी तो फ्लुएंसी uh, और वैकेबलरी से वो इसको इन्हांस uh, कर सकते हैं अपने स्किल्स को तो ये थी स्पीकिंग uh, की स्ट्रेटजीज और स्किल्स जो uh, एक स्पीकर uh, यूज़ करेगा यह उसको करनी चाहिए जिनकी मैंने आपसे तफसील के साथ बात की